स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? इरफान साहब से उधार लूंगा। कौन इरफान? और तुम्हें उधार क्यों देगा वो? उसे प्रॉफिट में से पैसे मिलेंगे। आप जैसी मजबूत लड़की जिसने बाबा के जाने के बाद सब कुछ संभाला हो, ऐसी लड़की तो सिर्फ प्यार के सामने ही हार सकती है। मेरे पास फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। मेरी ना सही, कम से कम अपने दिल की जरूर सुनिएगा। क्या हो गया शयान भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सारा अभी अपना फोन ऑफ नहीं कर सकती है, शायद उनकी बैटरी का कोई इशू होगा। तुम उसकी तरफदारी करना बंद कर दो, उसने इसीलिए फोन बंद किया है क्योंकि हम उसे बार बार पैसों के लिए बोल रहे थे। मैं क्या हो गया? चुप कर जाओ तुम। तेरा वादा अगर वफा होगा। बहुत ही शिद्दत से इंतजार था आप लोगों के वापस आने का। बताएं कैसा लगा फाखर? अरे तुम कहाँ जा रही हो, थोड़ी सी देर तो बैठो। बैठ भी जाओ सारा, इतनी भी क्या जल्दी है। तो बताओ कैसा लगा फाखर? मेरे ख्याल में इस घर में माँ की राय की ज्यादा अहमियत है। जी माँ, तो आप बताइए कैसा लगा लड़का आपको? माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा लड़का, कितनी रख रखाव से बात कर रहा था। सारा तुम बताओ। मैं वैसे तो ठीक था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे हमसे ज्यादा इंटरेस्ट अपने फोन में है। आंटी भी कोई सवाल कर रही थी तो बस जरूरतन जवाब दे रहा था। सारा, सुलझे हुए और खानदानी लोग ऐसे ही हुआ करते हैं, जो मुंह में आता है वो बोल नहीं देते, सोच समझ के बोलते हैं। मैंने तो बस वही कहा जो फील किया। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माँ को लड़का पसंद आ गया हो तो किसी को कुछ बुरा कहने की इजाजत नहीं होगी। जी परा, सारा को फोन मिलाओ। सब खैरियत तो है? फोन मिलाओ। मैं आप ही का फोन तो बन जा रहा है। क्या होता जिस पर मैसेज भेजते? मैं उनको व्हाट्सएप करती हूँ। हाँ जो भी है। आपी, सब खैरियत तो है? आपका फोन क्यों ऑफ जा रहा है? अम्मी बहुत गुस्से में है। नहीं उठाऊंगी इसका फोन, हर किसी नहीं उठाऊंगी, करती रह पूरी। अभी आप कहाँ हैं? अम्मी फोन नहीं उठा रही, मेरी बात कराओ उनसे। अच्छा मैं करवाती हूँ। अम्मी, आप ही की कॉल है। अम्मी ये बात करें, आप ही की कॉल है। अम्मी बात करें, कौन है आप ही की? नहीं करनी मुझे इससे बात, इससे कह दो कि इसकी माँ मर चुकी है इसके लिए।
अब तो वैसे आप काफी सेट लग रही हैं। भाई मुझे तो आज तक आपके डिप्रेशन की वजह नहीं पता चली। मारिया, इस वक्त इन बातों को करने की क्या जरूरत है? मेरे भाई, अल्लाह ना करे खुदा ना खासा ये फिर से डिप्रेस हो गई तो बच्चा तो पता होनी चाहिए ना। इस तरह बातें को रेतने की कोशिश मत किया करो, अपने काम से काम रखो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सारा, क्या हुआ? अली अम्मी मुझसे नाराज हो गई। क्यों? मैं उनको पैसे ट्रांसफर करना भूल गई। अली पहली दफा ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा और मैंने किया नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, उन्हें भी समझना चाहिए। तो अब शादीशुदा हो, अपनी यहाँ की जिम्मेदारियों में उलझ कर भूल भी सकती हो। नहीं भूलना चाहिए था, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी, फिर कोताही कैसे हो गई मुझसे। अली मैं घर चली जाऊंगी इस वक्त। सारा कल सुबह को ले जाऊंगा, मैं कल चली जाऊंगा। अली प्लीज, मैं जब तक अम्मी को नहीं मनाऊंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा, प्लीज। अच्छा अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, तुम रेडी हो? मैं वहां को बता के आता। किसका फोन था? है एक स्टूपिड इंसान जिसको पैसे का बड़ा नशा है, टैक्स बचाने के लिए मुझे रिश्वत देना चाहता है। खबरदार जो तुमने कभी रिश्वत ली तो। अरे तो इसमें हर्जी क्या है? बिलाल अगर अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए कुछ पैसे वगैरह। आराम और हलाल का फर्क पता है ना तुम्हें? आजकल ना सब कुछ जायज है। तुम जैसे लोगों ने जायज किए, अल्लाह ने जो हदें बांधी है उसको क्रॉस करना कहीं से भी जायज नहीं है। ऐसा आप सोचती हैं। मारिया क्यों बहस कर रही हो यार? तुम्हें पता है इस मामले में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है। सैम ठीक कह रही है, मैं इतना भी अंधा नहीं हुआ कि कमाने के चक्रों में हराम और हलाल का फर्क भुला दूं। इसमें वो सामान है जो आपने मंगाया था, और इसमें कुछ खाने पीने का सामान भी है अगर आपकी शुगर लो तो। अम्मी अली भाई, आप खड़े क्यों हैं? आप बैठे ना। आप कुछ लेंगे? मैं चाय या ठंडा लाऊं आपकी? नहीं नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, थैंक यू। कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। अम्मी 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 बस भी कर दें अम्मी, क्या हो गया है? इतना गुस्सा करेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अच्छा है ना कि मैं मरी जाऊं? कम से कम माँ रोजाना फोन कर करके तुम्हें तंग तो नहीं करेगी, या अपनी जरूरतों का रोना तो नहीं रोएगी? एक ही बार जान छूट जाएगी तुम्हारी। अल्लाह ना करे अम्मी मेरी उम्र भी आपको लग जाए। नहीं जीना मुझे इतना। वैसे भी जब से तुम्हारे अब्बू गए सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारी है मैंने। एक तुम्हारा आसरा था, मगर मैं देख रही हूँ सारा कि तुम भी अपनी माँ से और इस घर की जिम्मेदारियों से दामन छुड़ाना चाह रही हो। नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती अम्मी, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। हानिया का रिश्ता देखने गए थे इसीलिए बिजी थी, इसलिए फोन नहीं उठा सकी मैं। मसरूफ थी समझ में आता है,
मगर तुमने फोन क्यों बंद किया? हमने बंद नहीं किया था, बैटरी डेड हो गई थी। अच्छा नाराज तो नहीं हो प्लीज? तुमने ये साबित कर दिया सारा कि बेटियां शादी के बाद वाकई पराई हो जाती हैं। ऐसा नहीं है अम्मी। ऐसा नहीं है तो पहले तो तुम मेरी एक आवाज पर काम कर दिया करती थी। मुझे भी नहीं अच्छा लगता रोजाना तुम्हें फोन कर करके तंग करूं या अपनी जरूरतों का रोना रो तुम्हारे सामने, मगर मैं क्या करूं? मारिया तो किसी गिनती में है नहीं, और शायान उसका तो कुछ पता नहीं कि वो कब जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होगा। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो किसी स्कूल में जॉब कर लेती, लेकिन अब तो मुझे यही लगने लगा है कि घर घर सफाइयां करने का काम करते ना, और कितना शर्मिंदा करेंगे मुझे। मांगती हूँ गलती हो गई, प्लीज माफ कर देना। तो सारा मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, बस तुमसे वादा चाहिए कि तुम कभी भी अपनी बात से फिरोगी नहीं। कभी नहीं फिरूंगी, मैं वादा करती हूँ। मेरी बच्ची। अरे शुक्र है आंटी, आपकी नाराजगी तो खत्म हुई। मिट्टा एक मजबूर माँ सिर्फ रो धो ही सकती और क्या करेगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं आपके बेटों की तरह हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे। मिट्टा दामाद से कहना अच्छा नहीं लगता, तो अल्लाह का शुक्र है कि इसका आसरा है, वरना ये घर न जाने कैसे चलता। आप सारा घर चले माँ इंतजार कर रही होंगी। जी विटाली, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो आज इसे यहीं छोड़ दो। जब से शादी हुई है ये मेहमानों की तरह आई है और जरा से देर में ही वापस चली गई है। अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो। नहीं नहीं आंटी, इसमें एतराज वाली क्या बात है, आप कह रही हैं तो मैं कैसे नहीं मान सकता। सारा आप आज यहीं रुक जाओ आंटी के साथ, लेकिन आंटी मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे बेटा तुमने ना कुछ खाया ना पिया। तकल्लुफ की कोई जरूरत ही नहीं है, दोबारा आऊंगा तो फिर कुछ खा लूंगा, अभी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ना खुदा हाफिज बेटा। अगर आप थक गई हैं तो आपके पाँव दबा दो। नहीं तुम पहले ही थके हुए हो, ऐसा करो सारा को भेज दो। माँ वो सारा घर पे नहीं है, दरअसल आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो इस वजह से वो वहीं रुक गई अपने घर। हर आए दिन तो वो अपने मायके जाती रहती, उसे रुकने की क्या जरूरत थी। कल ही लेकर आओ उसे वापस, और ज्यादा दिन मत रुकने दिया करो वहां। ये इस क्लास की जो लड़कियां होती है ना, उनकी माए ना इन्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। और क्या? नहीं मां क्या हो गया आपको? सारा बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है जो दूसरों की बातों में आ जाए, और आंटी भी ऐसी बातें। तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा अली, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद नहीं कर रखी। शामी की बात है, फाकिर के घर पे मुस्तकिल अपनी अम्मी के साथ फोन पर लगी हुई थी। शाइस्ता के सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है ना, बता नहीं सकती मैं तुम्हें। सिर्फ तुम्हारी वजह से ना मैं उस लड़की को बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छी तरह से जानते हो अपनी माँ को तुम, मुझे ये बेकायदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। कहाँ जा रही हैं आप? शहीर से बात करने जा रही हूँ बेटा। अब दोनों फैमिलीज में अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर इस बात को आगे बढ़ाया जाए ना। लगता है तुमने अपना रास्ता ही बदल लिया है, वरना तुमसे मिलने की उम्मीद में दिन में कई बार उस रास्ते से गुजरता हूं, पर तुम होके मुझे तुम्हारा नजर ही नहीं आई। बेटा ये क्या, थके हुए आते हो, आराम करने के बजाय यहां आकर बैठ जाते हो। अम्मी मैं भी इन्हें मना करती हूँ लेकिन ये मानते ही नहीं है। माँ बैठिए ना, आप खड़ी हुई क्यों? अच्छा वो
शाइस्ता को मैंने कल रात खाने पे बुलाया है, तुम फाखिर के बारे में जरा मालूमात करवा लेना, ये उसका कार्ड है। ठीक है माँ, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं एक दो दिनों में इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लूंगी। अम्मी, अगर सब कुछ ठीक हो गया इंशाल्लाह, तो हम कब तक शादी कर देंगे आनिया की? हाँ माँ, इस बारे में क्या सोचा है आपने? बस जल्द से जल्द उसे अपने घर की कर दूंगी मैं। मुझे नहीं लगता कि हानिया इतनी आसानी से मानेगी, मैंने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो तो एक ही बात पे अटकी हुई है, रट लगाई है कि पहले पढ़ाई खत्म होगी फिर। वो क्या चाहती है इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। उसे ये जरूर बता देना कि मैं और माँ क्या चाहते हैं। जी। अरे यार, कितना बुरा खेल रही हो आज, कहाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अपने फ्यूचर पे। माँ भाई के कमरे में गई हैं, भाभी बता रही थी कि वो फाखिर की फैमिली को डिनर पे इनवाइट करेंगी। भाई मुझे तो लगता है माँ मेरी एजुकेशन पूरी नहीं होने देंगी। आप उसकी बातें, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप कुछ नहीं करेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो घर के सारे फैसले माँ और भाई करते हैं। सारा भाभी से बात हुई आपकी, उनको कैसा लगा फाखिर? यार मैं उससे डिस्कस तो करना चाह रहा था, लेकिन सारा की वालदा की तबीयत बहुत खराब हो गई तो बात करना मुनासिब नहीं लगा। मैं बात करूं? तुम देख लो, अगर करना चाहती हो तो। भाभी का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। किस लिए? आपने मुझे यहाँ रुकने दिया ना, इसलिए। अरे आंटी ने इतने मान से कहा था तो उनकी बात का मान तो रखना ही था ना, मना कैसे कर सकता था। कल पिक करने आ जाऊं? बिल्कुल आ जाइए। अच्छा वो आंटी गुस्सा तो नहीं थी मेरे ना आने पर? थोड़ा सा गुस्सा आया था उन्हें, लेकिन तुम आ जाओगी ना तो ठीक हो जाएंगी। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि माँ फाखिर के प्रपोजल को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? पता नहीं अली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी शादी को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा लगने की कोई खास वजह है? वो आंटी से बात करने के बजाय अपने फोन में ही लगा हुआ था। हाँ तो हो सकता है कि बिजनेस रिलेटेड किसी मामले में किसी से बात कर रहा हूँ। शायद ऐसा ही हो। अच्छा अच्छा सुनो, तुम इस बारे में प्लीज माँ और भाभी से कोई बात मत करना। हानिया का क्या रिएक्शन है सबको लेकर? तुम आ जाओ घर, फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। बाय। वो कह दिया सारा को कल आने का? जी माँ कह दिया। माँ वो क्या बात है, कुछ कहना चाह रहे हो? जी माँ मैं दरअसल हानिया के बारे में बात करना चाह रहा था। कोई फायदा नहीं है अली, तुमने अपनी बारी में अपनी मनमानी कर ली ना, अब हानिया की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी और जब मुझे मुनासिब लगेगा तब करूंगी, समझ गए? जी। हानिया सुनो,
तुम आज यूनिवर्सिटी से ऑफ ले लो। ऑफ क्यों? तुम मेरे साथ पार्लर चलो, कल तुम्हारी होने वाली सास आ रही है ना। भाभी प्लीज, आपको पता है मुझे टिपिकल लड़कियों की तरह सजने संवरने का कोई शौक नहीं है। भाई शौक हो या ना हो, करना तो पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है? अम्मी मैं हानिया से कह रही थी कि मेरे साथ पार्लर चले। देखिए जरा यूनिवर्सिटी जाके इसका रंग कितना डल पड़ गया, और कल तो फाखिर भी आ रहा है ना, अच्छा है फ्रेश लगेगी। हाँ मुझे तो इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। मैं हूँ ना इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने के लिए। तुम्हारा ही तो आसरा है, वरना सारा को तो अपने महके जाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। सारा भाभी मायके, ससुराल और ऑफिस को एक साथ संभालती है, बिजी तो रहेंगी ना। भाभी की तरह हर वक्त घर पे तो नहीं रहती, फुर्सत ही फुर्सत है। हानिया बोलने से पहले ना छोटे और बड़े की तमीज कर लिया करो। मैंने सच ही कहा है। सच नहीं कहा तुमने, तंस किया है। अगर आपको मेरी बातें इतनी ही बुरी लगती है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ ना। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। माँ मैं सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? तुम नगीन के साथ जाओगी। लेकिन कोई बहस नहीं सुननी मुझे, समझी? तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे तुम यहाँ कैसे? मिलने आई थी अम्मी से रात को, तो यहीं रुक गई। तुम्हारी हिटलर सास ने इजाजत दे दी तुम्हें आने की? इतनी भी सख्त नहीं है वो। रहने दो सारा, इंसान को ना सच बोलने से कतराना नहीं चाहिए। तुमसे बहस करने लगी तो बात लंबी हो जाएगी। मैं चाय बनाऊँ आपके लिए? अरे नहीं भाई, मैं प्रॉपर नाश्ता करूँगी। जोरों की भूख लग रही है, ऐसे ही निकल आई बिलाल के साथ। क्या मतलब, तुमने बिलाल को भी नाश्ता नहीं करवाना? सारा मुलाजमाना हम काम के लिए रखते हैं, उसी का काम है नाश्ता देना और घर के बाकी काम करना। तुम्हारे ससुराल वाला मामला नहीं है कि हर वक्त नौकरों के सर पर रहो 24 घंटे काम कराने के लिए। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा सुनो यार, एसी तो लगवाओ। मुफ्त का नहीं आता, पैसे लगते हैं। हाँ तो किस तरह मैनेज करने है वो सारा का प्रॉब्लम है। अम्मी से जब बात करो वो गर्मी की शिकायत कर रही होती है, थोड़ा सा तो ख्याल करो तुम लोग अम्मी का यार। क्या करना है और क्या नहीं करना मुझे अच्छे से पता है, रही बात एसी की तो सोच रखा है कि लगवाना है। अब जब सोच ही ली एक अच्छी चीज करने की तो कर भी लो, ताकि मैं भी सुकून से आके यहाँ रह सकूँ। ओह तो ये एसी आप अम्मी के लिए नहीं अपने लिए लगवा रही हैं? मेरी बात सुनो, तुम ना अपना मुंह बंद रखा करो, चमची कहेंगी। अम्मी कहें कमरे में। शायान कहाँ है, घर पे है? नहीं सुबह ही चले गए थे। कहाँ? पता नहीं। मार्केट में पाँव घुसाने का इंतजाम तो हो गया, तजुर्बाकार आदमी है, मार्केट के उतार चढ़ाव से वाकिफ है, दो के चार कर देगा, बस पैसे का इंतजाम हो जाए। अबे तो चलते हैं इरफान सेठ के पास। वो तो इंतजार कर रहा है ना, मैं उसके पास आऊँ तो 20-30 लाख रुपया दे मुझे। और भाई याद नहीं उसने क्या कहा था? उसने कहा था कुछ तो जमा करना पड़ेगा बॉस। तो मेरा बाप कौन सा मेरे लिए बहुत बड़ी जायदाद छोड़ के क्या सोचने लगा? समझो पैसे का इंतजाम हो गया, पैसे का इंतजाम हो गया, हो गया, हो गया। तो बाप सो बहुत छोड़ दे, इंतजाम हो गया।
इंतजाम हो। सीमा, ये मेरी नंद है। माशाल्लाह से इसकी बात पक्की। भाभी, अभी मेरी कोई बात तो पक्की नहीं हुई, अभी सिर्फ सलाम दुआ हुई है। एक ही बात है हानिया, बस इसे बहुत अच्छी सी लुक दे दो ताकि फाखिर देखता रह जाए। ठीक है, मैं समझ गई। बच्चे इधर आओ, इनका फेशियल कर दो और पेडिक्योर्स के लिए स्टेशन भी तैयार करना, और उसके बाद बाल भी कर्ज कर देना। कज़िन, मैं वेट करती हूँ। बस ये फाइल्स बॉस ने दी हैं, ये भी आज ही कंप्लीट करनी है। आज तो किसी का वक्त ही नहीं गुजरा भाई। बार बार टाइम देखने से वक्त जल्दी नहीं गुजरेगा, और अभी तो काम भी बहुत बाकी है। ठीक है, मैंने इस पे साइन कर दिया, इसको एचआर में जमा करवा। ओके सर, थैंक यू। ये भाई, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें ही फोन करने वाला था, ऑफिस से निकल रहा हूँ, बस पिक करने आ रहा हूँ। अली, वो मुझे आज शायद कुछ देर हो जाए, क्लोजिंग है ना, इसलिए। देर हो जाएगी मतलब कितनी देर हो जाएगी? यही कोई 7 या 8 बज जाए शायद। अली, प्लीज कोशिश करो कि 7 या 8 ना बजे, वरना माँ बहुत गुस्सा करेंगी, नाराज हो जाएंगी। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे देर से आने की वजह से तुम्हारी नौकरी पर घर में फिर से इशू बने, तुम समझ रही हो ना? जी, मैं कोशिश करूंगी कि 7 तक ही फ्री हो जाऊं। इंशाल्लाह हो जाऊंगी जल्दी फ्री। क्या हुआ, परेशान हो गई हो क्या? जी, कुछ कुछ तो हो गई हूँ, अगर ना काम खत्म हुआ वक्त पर तो हो जाएगा, परेशान मत हो। मुझे तुम्हारा रूम नहीं, कुछ और समझ। कुछ और क्या? अली, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ। अरे, मुझे तो सुनना है, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। होते रहें फिर नाराज। हेलो, वो तो मैं बिलाल से कह नहीं सकी, जो मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर बोल देती ना उसे, तो लग पता जाता कि जो वो मुझसे छुपा रहा है मुझे पहले से ही पता है। मारिया, आप ही सारा अपनी मम्मी के लिए मंगवाई थी और आप खा रही हैं। देख रही हैं आप इसे कैसे मेरे खाने पीने पर नजर रखी हुई है? उसे खाने तो फर्क, वैसे भी शादी के बाद बेटियां अपने घरों में मेहमानों की तरह थी। ये मेहमान नवाजी कभी सारा आप ही के हिस्से में तो आई नहीं, वो बेचारी तो मेजबान बने बस सबका पूरा ही कर रही होती है। बहुत बोलने लगी हो भाई तुम, कुछ गलत तो नहीं बोल रही? भरा, अब बस भी करो, बहुत बोलने लगी हो तुम, जाओ जाकर दूसरे काम देखो। ओवर कहीं की सारा से कहा है मैंने एसी लगवाने को, कोई एहसास ही नहीं है उसे आपका, कितनी मुश्किल होती है आपको। इतनी दफा बोला, कह कहकर एहसास करवाया तो मानिए, जाके कह रही थी लगवाएगी, दुआ दें मुझे, मेरी वजह से एसी का सुख मिलेगा आपको। लेकिन कहां से करेगी सारा इंतजाम? क्या मतलब कहां से करेगी,
पॉलिसियां बेचती है भाई, एक आध ज्यादा बेच दे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा ले। और उन्होंने आप इस सब की टेंशन नहीं ले, आप ही खाएं, ये ले खाएं खाएं, ये वाला खाएं बहुत मजेदार है। मिसेस बिलाल आ रही हैं, उनका ब्लो ड्राई, उनको अच्छे तरीके से केयर करना, मैं जा रही हूँ। यू आर लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। वैसे इस लुक के लिए तो आपका शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा। चलिए मैं खुश हूँ कि आपका मूड तो ठीक हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की तुम्हारे सैलून आए और खुशी खुशी घर वापस ना जाए। यू आर सो स्वीट, थैंक यू। चलो पेमेंट करके निकलते हैं, तुम्हारे भाई को इंतजार करना पसंद नहीं है। पर भाई हम तो ड्राइवर के साथ आए थे ना। तुम ड्राइवर के साथ ही घर वापस जा रही हो, मुझे शेर के साथ कुछ शॉपिंग करनी है। चलें भाभी फिर मैं चलती हूँ। ओके। चले कहाँ? हमने शॉपिंग पे जाना था, आप बोल गए शेर। किसी और दिन चलेंगे। अभी क्यों नहीं? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए नहीं। बुखार नहीं हो रहा है मुझे, बस सर में दर्द है। थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए, और जिसने जल्दी आना था उसका कहीं पता ही नहीं है। सारा अभी तक नहीं आई। अली आ गया। भाई की कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई हम रास्ते में आ रहे हैं। आ रहा है रास्ते में। हद करता ही भी। अंदाजा था मुझे मां गुस्से में आ जाएगी, नाराज हो रही है। खूब निभाई जा रही है अपनी जिम्मेदारियां। तुम्हारे पास ऑफिस के लिए टाइम है, अपने मैकी के लिए टाइम है, लेकिन अपने ससुराल के लिए वक्त निकालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। याद है ना क्या कहा था इजाजत लेते वक्त? आंटी वो क्लोजिंग की वजह से आज देर हो गई, वरना इतनी देर होती नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर इतना ही शौक है ना जॉब करने का, तो पहले अपने कहे को पूरा करो, वरना जॉब छोड़ दो। आंटी मैं कोशिश करूंगी दोबारा इतनी देर ना हो। कोशिश नहीं करनी है, अमल करना है। वरना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपने फैसले बदलते में वक्त नहीं लगाती। अब खड़ी क्या हो, जाओ जाकर काम देखो। सारा दिन ये घर नौकरों के आश्रय पर पड़ा रहा है।
सच कहूं अली, मुझे ना दूसरी बहू लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। सुबह सुबह उठकर ऑफिस चली जाती है और सारा दिन मुझे मुलाजमों के साथ सर खपाना पड़ जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कल के इंतजाम कैसे करूंगी मैं। माँ फिक्र न करे, मैं उससे कहता हूँ कि कल ऑफ ले ले। हद होती है। शहीद, हाँ? आप थके हुए हैं तो यू स्टडी में बैठने के बजाय कमरे में आराम कर लेते? कर लूंगा आराम, अभी वक्त ही क्या हुआ है। यही तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ है जो आप बेवक्त यूं अपनी स्टडी में जा रहे हैं। आप परेशान हैं? नहीं। शेर, आप मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं। तुम्हारे अंदाजे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। अली आ गया? मैं खाने के लिए ही बुलाने आ रही। तुम चलो, मैं आता। काश के भूलना आसान होता तुम्हें तो जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती मेरे लिए। तेरी मैं